हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल मटन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए। पहले हमें चाहिए होगा 500 ग्राम मटन, 15 से 20 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, दो हरी इलायची, दो सिनेमन स्टिक्स, दो तेज़पत्ते, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 4 बड़े चम्मच दही, 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च। सबसे पहले एक बर्तन में हम ऑयल डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज। और प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और अच्छे से स्टर करेंगे। अब इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। अब इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इन मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से भूनेंगे। मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें मटन ऐड करेंगे। अब मटन को 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम दही ऐड करेंगे। अब दही को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि दही इसमें फटे ना। अब लास्ट में फ्रेंड, इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे।
ये देखें फ्रेंड्स, मटन पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये डिश आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, इसको हम हरे धनिए से और बारीक कटी हुई हरी मिर्च से गार्निश करेंगे।